आलू बंडा बनाने के लिए बारीक प्याज काट लेंगे, लहसुन काट लेंगे, मिर्चा काट लेंगे, धनिया पत्ती, मटर ले लेंगे, आलू को बॉयल कर लेंगे। फिर तेल थोड़ी सी गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन हल्का रेड हो जाएगी तो फिर डालेंगे प्याज। प्याज डाल दिए हैं, हरा मिर्चा डाल दिए, धनिया खड़ी डालेंगे, थोड़ी सी जीरा डालेंगे खड़ी, जब पक जाए तो हरा मटर डाल देंगे इसमें। अच्छे से आ जाएंगे, फिर डालेंगे हल्दी, नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लेंगे, जितना आलू रहे उसके हिसाब से नमक ज़्यादा ना रखें। मेरा बॉयल किया हुआ आलू है, आलू पूरा डाल के अच्छे से मिक्स करके भूंज डालेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए, धनिया पत्ती डालेंगे कटी हुई बारीक, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। बस मसाला तैयार है आलू बंडा के, तो कढ़ाई से पलट के उस मसाला कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाल देंगे। ये बेसन है, हल्दी है, नमक है, उसको पानी से फेंट लेंगे। इस तरह रहे ना, ज़्यादा गाढ़ा रहे ना ज़्यादा गीला रहे, और मसाला का छोटी छोटी टिकिया बना के रख लेंगे। बेसन में टिकिया को डुबो लेंगे, एक एक करके डुबो लेंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे, या फिर इकट्ठा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तेल गरम है, उसको डाल देंगे इस तरह डुबो के टिकिया को। इसको चलाना है आराम से,
इस तरह हल्का गोल्डन कलर हो जाए तो निकाल लेना है। बस तैयार हो गया मेरा आलू अंडा खाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।